तो ग्रुपिंग का जो तीसरा हमारा पार्ट है वो है डेट की ग्रुपिंग। हमने टेक्स्ट की ग्रुपिंग किया, हमने नंबर की ग्रुपिंग किया, अब बात आती है डेट की ग्रुपिंग। आपके सामने डेट है, मुझे इसमें डेट बाय सेल्स नहीं चाहिए, मुझे इसको मंथ बाय सेल चाहिए। तो डेट के ऊपर राइट क्लिक करें और ग्रुप करें। लेकिन ध्यान रखिएगा कि आपके डेटा में कोई ब्लैंक नहीं होना चाहिए या कोई डेट टेक्स्ट में नहीं होना चाहिए। अगर कोई ब्लैंक हुआ और डेट टेक्स्ट में हुआ तो प्रॉब्लम होगी। यहां पे देखिए डेज है, मंथ है, ईयर है, क्वार्टर है, तो मुझे मंथ बाय चाहिए, तो हमने मंथ को सिलेक्ट किया, देन ओके। तो मंथ वाइज हमारा टोटल आ गया। उस तरह से ग्रुप में मुझे मंथ और ईयर दोनों चाहिए क्योंकि अलग अलग है, तो मंथ और ईयर आ गया। और मैं ईयर को उठा के कॉलम में रखना चाहूं तो मैं ईयर को उठा के वापस कॉलम में आसानी से रख सकता हूं ताकि मुझे मंथली और ईयरली रिपोर्ट दिख जाए। मुझे हर ईयर की क्वार्टरली रिपोर्ट भी चाहिए, तो मैं इसको वापस आता हूं, ग्रुप पे जाता हूं, मंथ और ईयर है, मैं क्वार्टर को भी सिलेक्ट कर लिया हूं। तो देखिए यहां क्वार्टर्स भी आ गया, तो ईयर भी मैंने यहां पे रख दिया, यहां पे ईयर वाइज क्वार्टर वाइज सेल दिख गया आपको। डेट का फॉर्मेट सेम होगा तभी हो पाएगा, है ना? डेट का फॉर्मेट नहीं, डेट टेक्स्ट में होनी चाहिए। डेट कोई भी फॉर्मेट हो चलेगा, बट डेट टेक्स्ट में होनी चाहिए, डेट ब्लैंक नहीं होनी चाहिए, अदरवाइज ग्रुप ही नहीं होगा आपका। हाँ, मतलब नंबर में रहेगा तो नंबर के फॉर्मेट दिख जाएगा। जी जी, टेक्स्ट के फॉर्म में किसी भी फॉर्मेट में रहेगा तो कैलकुलेट कर ले। जी हाँ, सही बोला आपने। अब इसमें एक चीज और भी है कि मुझे यहाँ पे डेट ग्रुप तो करने हैं, बट 15 डेज के, मुझे मंथ वाइज नहीं, क्वार्टर वाइज नहीं, 15 डेज का ग्रुप या 30 डेज का ग्रुप या 100 डेज का ग्रुप चाहिए मुझे नंबर्स के हिसाब से, तो आपको ग्रुप में जाना है। लेकिन ध्यान रखिएगा कि डेट का ग्रुप सिर्फ सिंपल डेट में ही आप कर सकते हैं, क्योंकि ये जो आपका नंबर ऑफ डेज यहाँ पे एनेबल दिख रहा है, कब दिख रहा है, जब आपने सिर्फ डेज को सिलेक्ट किया। अगर आपने मंथ को सिलेक्ट कर लिया तो देखिए अनहाइड हो जाएगा। तो डेज भी कर सकते हैं, यहाँ पे आवर, अगर मैंने आवर सेलेक्ट किया तो देखिए आवर्स भी नहीं आ रहा है, मैंने मिनट सेलेक्ट किया तो देखिए मिनट भी नहीं आ रहा है। तो यहाँ क्या आएगा, सिर्फ आपका डेज का ग्रुप आएगा। तो मैंने यहाँ पे दे दिया कि 15 डेज का ग्रुप मुझे कर दो, तो यहाँ पे आपका 15 डेज का आ गया कि 1 से लेके 15, 16 से लेके 30, 31 से लेके 14, दिख रहा है? इस तरह का आप डेट वाइज ग्रुप कर सकते हैं। तो डेट की ग्रुपिंग समझ में आ गई आपको?